आरएसएस एक संगठन ही नहीं बल्कि विचार और संस्कार है। इसी विचार से पुष्पित और पलवित हुए हैं सुधीर अग्रवाल। उनकी संगठन के प्रति निष्ठा, समाज के प्रति संवेदनाएं और विपक्ष के प्रति आक्रमकता का नतीजा ही है कि भाजपा सुधीर अग्रवाल को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजने का मन बना रही है। हापुड़ में 15 अगस्त 1962 को जन्मे सुधीर अग्रवाल को संघ के संस्कार घर में ही अपने पिता से मिले। 1978 में चनौसी से ओटीसी करने के बाद तो जैसे उनमें समाज सेवा करने का जज्बा पैदा हो गया। आरएसएस में विद्यार्थी विस्तारक रहे, मोदी नगर में विस्तारक रहते वे काफी लोकप्रिय रहे। इसके बाद श्री अग्रवाल के कदम हमेशा आगे बढ़ते रहे। श्री अग्रवाल बीजेपी ह्यूमन राइट्स के नेशनल कन्वेनर, कंस्ट्रक्टिव सेल के नेशनल कन्वेनर, बीजेपी इंटेलेक्चुअल सेल के नेशनल मेंबर, मेंबर पंचायत राज, डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी के कोऑर्डिनेटर, मेंबर बीजेपी ट्रेनिंग सेल आदि रहने के साथ ही अनेक पदों पर रहे श्री अग्रवाल। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भागीदारी सहित पार्टी के विभिन्न आंदोलन में भी हिस्सा लिया। त्रिपुरा की जीत पर सुधीर अग्रवाल ने कहा कि वहां जीत भाजपा को अचानक नहीं मिली। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की संगठन कौशलता, मंत्रियों के प्रयास और प्रचारकों की रणनीति का परिणाम है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, महेश शर्मा आदि के साथ भी संगठन में कदम ताल कर सुधीर अग्रवाल ने अपना पूरा जीवन भाजपा को अर्पित कर दिया। दो पुस्तकें संकल्प अभियान पदयात्रा और सेंसिटाइजेशन ह्यूमन राइट्स का प्रकाशन भी किया। बीकॉम, एमए, एमकॉम, एलएलबी करने के बाद जब श्री अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट से प्रैक्टिस की तो यहां भी पार्टी व समाज के प्रति दर्द देखने को मिला। श्री अग्रवाल की कर्तव्य निष्ठा, सत्य निष्ठा, संवेदनशीलता को देख भाजपा का बड़ा वर्ग उन्हें उच्च सदन राज्यसभा का मेंबर देखना चाहता है, जिससे वह वहां पर समाज के लाचार पीड़ितों की आवाज उठा सके। स्पेशल रिपोर्ट के लिए आलोक कौर, एबी लाइव न्यूज़।